फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आपका अपना हम सफर सोनू। दोस्तों, आज का ब्लॉग हम बॉलीवुड सेलिब्रिटी हाउस पार्ट टू बनाएंगे। दोस्तों, मैं अभी अंधेरी स्टेशन में, देखिए जो सामने है ये अंधेरी स्टेशन है। दोस्तों, अभी हमें यहाँ से जुहू जाना है बाय ऑटो, तो मैं अभी ऑटो ढूंढ रहा हूँ। दोस्तों, आज गर्मी बहुत है यहाँ पर, मुंबई में बहुत गर्मी है। सो दोस्तों, मिलते हैं जुहू में। दोस्तों, मैं अभी आ चुका हूँ जुहू सिग्नल। देखिए जो सामने जो आपको बंगलो दिख रहा है, ये वन मेन इंडस्ट्री सेंस ऑफ बॉलीवुड मिस्टर अमिताभ बच्चन सर जी का घर है, जुहू सिग्नल पे ही है। जलसा नाम है, देखिए जलसा लिखा हुआ है। दोस्तों, आपने देख लिया होगा अमिताभ बच्चन सर जी का घर। अभी हम जा रहे हैं वरुण धवन सर जी के घर, यहाँ से बाजू में ही है, 2 मिनट दूरी पर है, बाय वॉकिंग। आज हम सब सेलिब्रिटी घर बाय वॉकिंग देखने वाले हैं, क्योंकि सब बाजू बाजू में है। मैं आपको अभी वरुण धवन सर जी के घर ले चलता हूँ। दोस्तों, अभी हम वरुण धवन सर जी के घर पे जा ही रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उनके बाजू, उनके घर के, उनके बिल्डिंग के बाजू में 5-स्टार होटल है जिसका नाम है JW मेरियट होटल। देखिए JW मेरियट होटल बहुत सुंदर होटल है, ये 5-स्टार होटल है और इसके जस्ट एक बिल्डिंग छोड़ के वरुण धवन सर जी रहते हैं। दोस्तों, आपको जो ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, इसमें वरुण धवन सर जी रहते हैं। ओबेरॉय इंक्लो नाम है बिल्डिंग का, प्रॉपर बिल्डिंग दिख नहीं रही है। दोस्तों अभी हम यहाँ से आलिया भट्ट मैम के घर जा रहे हैं। तो अभी मैं आ गया जुहू चर्च रोड। देखिए जो सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, इसमें आलिया भट्ट मैम रहती है। बिल्डिंग का नाम है सिल्वर बीच अपार्टमेंट। देखिए सेकेंड फ्लोर पर आलिया भट्ट मैम रहती है, जो बालकनी आलिया भट्ट मैम की है सेकेंड फ्लोर पर। बर्थडे के दिन काफ़ी फ्रेंड्स इधर आके बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, मैं भी एक बार यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन। दोस्तों, अभी आपने आलिया भट्ट मैम का घर देख लिया होगा। अभी हम जा रहे हैं अक्षय कुमार सर जी और ऋतिक रोशन सर जी के घर, जो कि दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अभी जुहू बीच। बहुत अच्छी हवा चल रही है, देखिए जुहू बीच है, बहुत अच्छा हवा चल रही है। मेरा बाल पूरे उड़ रहे हैं, इतने गर्मी भी दोस्तों यहाँ पर एकदम ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और दोस्तों सामने देखिए, ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, इसमें ही अक्षय कुमार सर जी और ऋतिक रोशन सर जी रहते हैं। प्राइम बीच अपार्टमेंट का नाम है। अक्षय कुमार सर जी इसमें ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और ऋतिक रोशन सर जी इसमें थर्ड फ्लोर पे रहते हैं। देखिए जो बालकनी है थर्ड फ्लोर पे, वो ऋतिक रोशन सर जी की है। यहाँ पे वो बहुत बार स्पॉट हुए हैं। दोस्तों देखो, आपने अभी अक्षय कुमार सर जी, ऋतिक रोशन सर जी का घर देख लिया। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ गोविंदा सर जी के घर, जो कि यहाँ से जुहू बीच के थोड़ा बाजू में ही है, थोड़ा सा आगे है। दोस्तों देखिए, सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, जल दर्शन नाम है, इसमें गोविंदा सर जी रहते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे वो रहते हैं, जुहू बीच के बाजू में बिल्डिंग है। तो देखिए जो सामने जो घर है, ये विवेक ओबेरॉय सर जी का है, सरोज सदन नाम है घर का, ये बंगलो है। तो अभी आपने विवेक ओबेरॉय सर जी और गोविंदा सर जी का घर देख लिया होगा। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ माधुरी दीक्षित मैम के घर, जो कि यहाँ से बाजू में ही है, लेके चलता हूँ। दोस्तों, आपको ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, इसमें माधुरी दीक्षित मैम रहती है। आयरिस पार्क बिल्डिंग का नाम है, माधुरी मैम थर्ड फ्लोर पे रहती है। दोस्तों, सामने जो बंगलो दिख रहा है, ये मिस्टर जितेंद्र सर जी का है। 5 मिनट हमें लेट हो गया, अभी जस्ट वो अंदर गए। ये जो ब्लू ऑडी कार है उनकी है, कृष्णा बंगले का नाम है, रोड नंबर 5 जुहू। दोस्तों, मैं जुहू रोड नंबर 7 पर आ गया हूँ। ठीक है, जो सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, गुरुशीष नाम है, उसमें अनुपम खेर सर जी रहते हैं सेकेंड फ्लोर पर, और एक बिल्डिंग छोड़ के अनिल कपूर सर जी रहते हैं। दोस्तों, मैं अभी जुहू रोड नंबर 7 पर हूँ। आपको जो सामने ये जो बंगलो दिख रहा है, ये मिस्टर अनिल कपूर सर जी का है, रोड नंबर 7 जुहू। अंदर उनकी कार भी पार्क है, देखिए। दोस्तों, आपने अभी अनुपम खेर सर जी और अनिल कपूर सर जी का घर देख लिया होगा। दोस्तों, अभी हम यहाँ से रोड नंबर 11 पर जा रहे हैं। दोस्तों देखिए, ये जो सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, इसमें सोनाक्षी मैम रहती है। देखिए रामायण नाम है, सोनाक्षी मैम इसमें रहती है। दोस्तों, मैं अभी रोड नंबर 11 पे आ गया हूँ जुहू। दोस्तों, जो सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, गोस्वामी टावर, इसमें उर्वशी रोटेला मैम रहती है, 4th फ्लोर पे रहते हैं वो, जुहू 11 रोड। दोस्तों, सामने जो बंगलो दिख रहा है आपको,
ये सनी देओल सर जी का है, प्लॉट नंबर 22, 11 रोड जुहू। दोस्तों देखिए, जो सामने आपको बंगलो दिख रहा है ये मिस्टर अजय देवगन सर जी का है, शिव शक्ति बंगले का नाम है, अभी बंगलो का काम चालू है। दोस्तों देखिए, सामने जो बंगलो दिख रहा है ये रानी मुखर्जी मैम का है, गेट पे साइन है यशराज म्यूजिक का। बंगला यहाँ से बराबर नहीं दिख रहा है दोस्तों, जैसा मैं दोस्तों अभी आपने रानी मुखर्जी मैम और सनी देओल सर, अजय देवगन सर जी का घर देख लिया, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अर्जुन कपूर सर जी के घर। दोस्तों देखिए, सामने जो बिल्डिंग दिख रही है रहेजा ऑर्चिड नाम है बिल्डिंग का, इसमें मिस्टर अर्जुन कपूर सर जी रहते हैं, टॉप फ्लोर पर रहते हैं वो। अच्छी दोस्तों, अभी आपने अर्जुन कपूर सर जी का घर देख लिया होगा, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ परेश रावल सर जी के घर। दोस्तों देखिए, जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है इसमें परेश रावल सर जी रहते हैं, सी ब्रिज है बिल्डिंग का नाम, जुहू में ही है। दोस्तों अभी आपने परेश रावल जी का घर देख लिया होगा, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं साहिद कपूर सर जी के घर, यहाँ से 2 किलोमीटर है, तो मैं यहाँ से ऑटो से जाऊँगा, सो मिलते हैं वहाँ पर। दोस्तों मैं आ चुका हूँ वो जुहू तारा रोड, सामने आपको जो ये बिल्डिंग दिख रही है इसमें साहिद कपूर सर जी और विद्याबालन मैम रहते हैं, परिणीता बिल्डिंग का नाम है। साहिद कपूर सर जी ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं और विद्याबालन मैम फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, और इसके पीछे जुहू बीच है और जो नीचे का। दोस्तों मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, 7 बज गए और अंधेरा भी होने आया है। दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मैं इससे बहुत अभी नए नए अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।